धन्यवाद सर। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पहने आप सफलता का क्राउन, खूब आगे बढ़े रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू ओझा है। न्यूजिस्तान न्यू एज डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस दोहे की पंक्ति द्वारा आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जी हां, भुखमरी। संसार के 104 देशों में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अनुसार हमारा देश भारत 94 नंबर अर्थात 94th नंबर पर आता है। ऐसी बात नहीं है कि भारत में भुखमरी को मिटाने के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। लगातार कई स्वयंसेवी संस्थाएं और कई लोग भुखमरी को मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। आज हम मौजूद हैं रोटरी क्लब सिलीगुड़ी मिड टाउन। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये रोटरी आहार सेवा। इसको देखकर आप अंदाज लगा चुके होंगे ये रोटरी आहार सेवा है क्या। वास्तव में ये गरीब लोगों के भूख को मिटाने का एक सेवामूलक कार्य है। निशुल्क अर्थात फ्री में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। किसी ने सच कहा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। नर की सेवा करना ही नारायण की सेवा है। न इसकी जात, न ये लंबी न छोटी है, साहब भूख मिटाने वाली ये रोटी है। आइए आहार सेवा के बारे में जानते हैं। जी आपका शुभ नाम? संदीप घोषाल जी। ये जो आप कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं इसका मकसद क्या है? ये रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसमें ये अलग अलग जगह जो लोगों को दरकार होगी वहाँ पे ये फूड सर्व करेंगे। सर आपका नाम? मेरा अजय अग्रवाल। अजय अग्रवाल जी, ये बताइए ये जो रोटरी क्लब की जो सेवा है ये क्या हमारे इसी एरिया तक सीमित है या सिलीगुड़ी के बाहर भी है? नहीं नहीं, ये हर एरिया में जाएगी, विद इन सिलीगुड़ी ज्यूरिडिक्शन। आउट ऑफ सिलीगुड़ी तो अभी फिलहाल प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन या पंचायत एरिया में पूरी तरह से दूंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम संजय गोयल। अच्छा जी, एक बात बताइए, इसका जो खर्चा है एक्सपेंस, ये कैसे आप लोग बियर कर रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं? इसके लिए हम लोग स्पॉन्सरशिप उठा रहे हैं। हर एक दिन का जिस दिन भी अब गाड़ी यूज़ होगी एक स्पॉन्सर होगा, उस हिसाब से 350 से 400 आदमी को उनके बताए हुए जगह पर जाकर गाड़ी को खड़ी करेंगे और भोजन को वितरित करेंगे। सर आपका नाम? संजय गोयल। आप ये बताइए सर कि आप लोग कोविड के दौरान ये जो आहार सेवा, इसमें क्या नियम का पालन कर रहे हैं? हम इसमें हर चीज़ को नियमित तौर पर ही बांटेंगे। इसमें हम पैक्ड फूड दे रहे हैं और टोकन सिस्टम करके दे रहे हैं। हम कोविड का पूरा ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करते हुए ही फूड का वितरण करेंगे। सर आपका नाम? संजय अग्रवाल। अच्छा संजय अग्रवाल जी, ये बताइए ये जो सेवा है, इस सेवा को शुरू करने के पीछे आप लोग जो इतने मेंबर लगे हुए हैं, ये कितने दिन से इसकी तैयारी चल रही है? सर ये तो इमीडिएटली अभी हम 2 महीने पहले ही प्रपोजल शुरू हुआ था और हम लोग गाड़ी खरीद के आगे बढ़े और गाड़ी बनाने में जो टाइम लगा वो टाइम लगा और हम लोग जल्द से जल्द ओपनिंग करने की में थे। सर आपका नाम? मेरा नाम मनीष सरावगी है, मैं इस क्लब का सेक्रेटरी हूँ। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो रोटरी क्लब के जो कार्य हैं, इसके अलावा आप लोग कौन कौन से सेवामूलक कार्य कर चुके हैं? रोटरी क्लब तो हमेशा से ही बहुत सेवामूलक कार्य में आगे बढ़े हुए हैं। हम लोग का सबसे प्राइमरी जो है वो है पोलियो का। हिंदी हाई स्कूल में प्रति रविवार हम लोग का कैंप चलता है, जिसमें सभी बच्चों को पोलियो वैक्सीन वगैरह सब दिया जा रहा है। सर आपका नाम? मैं रोटरी प्रवीण अग्रवाल, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो कार्यक्रम आप चला रहे हैं ये कुछ दिनों के लिए या परमानेंट रहेगा? नहीं, ये हम लोग का परमानेंट प्रोजेक्ट है और ये लाइफ टाइम के हिसाब से हमने इसको चालू किया है। सर आपका नाम? अमीर ओबी राय। सर कोऑर्डिनेटर 41 SFC আন্ডার লাস্ট। স্যার আমি জিজ্ঞাসা করতেছি এখানে আসে আপনি কি মানে কেমন লাগছে আপনাকে? না আমি তো প্রায় আসি, সকালবেলা এসেছিলাম, সব লেবার টেবার দিয়ে গেছি সব কিছুই, কারণ আমার তো ডিউটিটা, তার কারণে আমাকে পরিষেবা দিতে হবে মানুষের, জনসাধারণের, তাই না? আমি এখন এই ওয়ার্ডের দায়িত্বে আছি, তো যতটুকু পারি করছি। খুব ভালো লাগলো, এইসব প্রোগ্রাম খুব ভালো। স্যার আপনার নাম? মেরা নাম হয় সুভাষিস চ্যাটার্জি। আচ্ছা স্যার, আপ ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর? হ্যাঁ জি। স্যার কেসা ফিল কর রহে ইয়াহাঁ কা? देखिए सिलीगुड़ी तो मेरा अपना जगह है और उसी जगह पे ऐसा एक प्रोग्राम लिया है सिलीगुड़ी रोटरी क्लब मिड टाउन, बिल्कुल एक प्रशंसनीय ये उद्योग है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। उसके पास उपयोग नहीं होता है या पहुंच नहीं पाता है, रिमोट एरिया होता है कि कहीं जगह होता है, तो ये जो मोबाइल वैन है
इससे उसी जगह पे जा सकता है। बेसिक चीज़ ज़िंदगी में जो होता है वो खाना होता है। आदमी का पेट में अगर खाना नहीं है तो कुछ काम ही नहीं कर सकता है। तो रोटरी इज थिंकिंग ऑफ दैट पीपल्स हेल्थ, पर्सन हेल्थ एंड द कम्युनिटी हेल्थ। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम होने के लिए, और मैं इस प्रोग्राम के लिए आगे चल के बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत दूर तक ये प्रोग्राम चलेगा ये मेरा उम्मीद है। धन्यवाद सर। सर आपका नाम? मेरा नाम सुनील अग्रवाल। सर ये बात बताइए, फूड फॉर ऑल ये जो आप लोगों ने शुरू की है आहार सेवा, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। इसके अलावा आप और क्या आगे भविष्य में करना चाहते हैं? देखिए मैं इसी क्लब का मेंबर हूँ और अभी डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी भी हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए खाने का जो चीज़ है ये सबसे ज़रूरत है इस दुनिया में, और इस पैंडेमिक टाइम में तो खैर ऐसे ऐसे भी कुछ है जिसको खाने का लिए अभाव था। तो हमारे क्लब ने उसी समय से इस चीज़ में लेकर निकल कर आया है और खूब वो करेंगे और कंटिन्यू इसको रखेंगे। सर आपका नाम? सुनील कंदई, प्रोजेक्ट चेयरमैन। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ रोटरी क्लब के लिए कोई नारा, कोई संदेश जनता तक पहुँचाना चाहते हैं? मेरा सबसे एक ही बात है कि अपना जो भी प्रोजेक्ट लेते हैं हर जनता के लिए ही होता है, और विशेष करके ये जो आहार सेवा जो है रेडी टू यूज, मतलब आप संग संग खाने को मिलेगा। कितने जो आदमी हैं जो रोड साइड में सोते हैं रात को, उनके लिए खाने का प्रोग्राम किचन नहीं है, उनको बनाने का सुविधा नहीं है, उनके लिए बहुत ज़रूरतमंद है। धन्यवाद सर। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पहने आप सफलता का क्राउन, खूब आगे बढ़े रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन। धन्यवाद सर, आप सब सबका बहुत धन्यवाद। रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन के आहार सेवा कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री श्री गौतम देव जी द्वारा दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। वार्ड काउंसिलर श्री रवि राय जी भी यहाँ मौजूद हैं, और रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री सुभाषिश चटर्जी भी यहाँ मौजूद हैं, संदीप घोषाल जी यहाँ मौजूद हैं, श्री संजय अग्रवाल जी यहाँ मौजूद हैं। तो रोटरी आहार सेवा का शुभारंभ पर्यटन मंत्री श्री गौतम देव जी द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द डिग्निटरीज, दोज हु आर रिस्पांसिबल फॉर दिस ब्यूटीफुल बेनिफिशियरी प्रोग्राम रोटरी क्लब। दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड 24,000 मिल्क शेक। दे आर लॉन्चिंग टुडे आहार सेवा प्रोग्राम टू प्रोवाइड पैक फूड। दे रिक्वेस्टेड मी टू प्रोवाइड ए प्लेस फॉर स्टोरिंग। ऑफकोर्स आई विल सी एंड आई विल प्रोवाइड वन एडुकेट प्लेस फॉर स्टोरिंग दिस। दे रिक्वेस्टेड मी टू प्रोवाइड देम विथ 20 स्कूल्स इन एंड अराउंड। आई मस्ट सेंड इट बाई 2-3 डेज during the pujas. I don't want to waste any time, and I will take up the matter with our honorable Ahar and School Education Minister Dr. Partho Chatterjee to see that this kind of meaningful program should be supported by our government also. And I would like to assure that I am also working in the field of education. रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन की आहार सेवा वैन का उद्घाटन माननीय पर्यटन मंत्री श्री गौतम देव जी द्वारा कर दिया गया है,